राम राम जी। मैं अभि चौधरी, गांव बादी, जिला सहारनपुर, तहसील नकुड़, उत्तर प्रदेश, किसान कार्यशाला जाउल जवान और अंकित बेनीवाल भाई जी के साथ मैं खेती कर रहा। मुझे कम से कम 6-7 महीने हो गए और ये जो मैं आपको दिखाऊं, आपको दिख भी रहा होगा, ये हमारा गन्ना है COPP95। ये 5x2 पेड़ लगा हुआ है, 5 फुट तो लाइन टू लाइन की दूरी है और 2 फुट है पौधे से पौधे की दूरी। तो मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ये दिखाने के लिए, जो हमारी गन्ना ग्रुप किट है जो मैंने इसमें यूज की है, 2 ड्रेंचिंग इसमें हो चुकी है, उसका मैं रिजल्ट आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि किसान कार्यशाला का मकसद यही है कि किसानों का भला, किसान कार्यशाला और कुछ नहीं है। किसान कार्यशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारा जिसमें हम सीखना सिखाना दो बातों पर ध्यान रखते हैं, जो मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा। किसान कार्यशाला का जो मैंने हमने प्रोडक्ट यूज किया था उसका थोड़ा सा मैं आपको रिजल्ट दिखा दूं। ये देखो, 5x2 पर गन्ना लगा है, 2 फुट दूरी है पौधे से पौधे की। इसमें गन्ने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ग्यारह गन्ने हैं इसमें एक में। किसी में 8 भी होंगे, किसी में 7 भी होंगे, किसी में 5 भी होंगे, किसी में 15 भी होंगे, ऐसे सब तरह के है जी। देखो इसमें देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और ये छोटे छोटे सूट भी है, ये तो ये भी बन जाएंगे। इसमें देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, हर मतलब एवरेज 8 गन्ने हैं मील योग्य। मील योग्य गन्नों का मतलब है जिनकी समान मोटाई है, समान लंबाई है, उन गन्नों को मील योग्य गन्ना मानते हैं। तो गन्ना गुरु की सबसे खास, जो गन्ना गुरु किट है उसकी सबसे खास बात यही है कि उसमें जो गन्ने की मोटाई है, गन्ने की लंबाई है, वो सब एक समान रहती है। मतलब गन्नों का जो वो एवरेज खेत का बढ़ाती है, प्रोडक्शन बढ़ाने का, उसमें सबसे बड़ा जो रीजन यही है कि वो हर एक सूट को अपने साथ लेकर चलते हैं। जो कोई भी टिलर है गन्ने का, उस सब टिलर को एक साथ लेकर के चलती है। और कलर भी आप देख लो गन्ने का, ऐसी बात नहीं, मतलब कलर भी अच्छा है और पत्ते की चौड़ाई भी कम से कम 2-3 इंच पत्ते की चौड़ाई है इसमें। मेरी अंगली जितना चौड़ा है एक पत्ता, कोई भी पत्ता लगा लो आप। ये देखो यहाँ पे बिल्कुल हरा रंग है पत्ते का, अच्छा गन्ना चल रहा है इसमें। मैं राहुल जवान भाई जी के साथ और अंकित बेनीवाल भाई जी के साथ उनकी देख रेख में, उनके मार्गदर्शन में मैं खेती कर रहा हूँ। मुझे 6-7 महीने हो गए जहर मुक्त खेती की तरफ मैंने अपना कदम उठा दिया और आशा करता हूँ आप सब भी जहर मुक्त खेती की तरफ अपना कदम उठाएंगे। मैं ऐसा गन्ना गुरु किट नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ गन्ना गुरु एक किट नहीं है, गन्ना गुरु एक जादू है गन्ने के लिए, गन्ना किसानों के लिए और सभी किसानों के लिए। मैं एक और आपको छोटा सा डेमो दिखा दूं, ये हमारी पेडी गन्ना है, इसमें मैं गन्ना गुरु का यूज नहीं कर रखा। और जो गन्ना गुरु का यूज नहीं कर रखा, ये मैं देखो हिसाब तो इसमें भी अच्छा, ग्रोथ भी अच्छी है, पर इसमें जो नीचे सूट है वो देखो कितने है, ये किसी काम की नहीं, ये एवरेज घटाने के है बस, और कुछ नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूंगा सब किसानों को, ज्यादा से ज्यादा किसान कार्यशालों को सपोर्ट करो, चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जितना ज्यादा किसानों का अच्छा भला हो जाए वो ही अच्छा है। बाकी मैंने एक स्प्रे के ऊपर उसका भी किया हुआ है, फ्लुवेट का और ह्यूमेट का, किसान कार्यशाला से मिल जाएंगे आपको नंबर, वो राहुल जवान भैया जी को बता देना, वो ऑर्डर करवा देंगे। बाकी मैंने इसमें नीचे भी उनको डाला हुआ है, देख लो, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इसमें भी एक 1, 2, 3, 4, 5 और एक। और ये हमारा जो गन्ना है इसके पौधे ट्रांसप्लांट करे थे हमने 5x2 पे, एक पौधे से पौधे की दूरी 2 फुट है और लाइन से लाइन की दूरी 5 फुट है। तो फिर भी इसमें इतना अच्छा स्पेस मैनेजमेंट भी है
और फुटाव भी बहुत अच्छा है। जहां तक प्रोडक्शन की बात है, एक गन्ना कम से कम 2 किलो वजन देगा। अभी देख लो कुछ तो ऐसा भी है इसमें, गन्ने में मिट्टी चढ़ी हुई है हमारे में, 1.5 फुट मिट्टी भी चढ़ी हुई है, फिर भी ये मेरे से बहुत ऊपर निकल चुका है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, किसान कार्यशाले से जुड़ो, कर्ज मुक्त खेती की तरफ चलो, बस यही दो मेरे तो मैसेज है।